हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के चैप्टर टिप टिपुआ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। तो इसमें एक बुढ़िया होती है और उसका एक पोता होता है जो हर रोज रात को सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनता है। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गाँव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खिंचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। तो दादी से जो है वो जो पोता था उसका वो कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बारिश हो रही थी, जो बुढ़िया की झोपड़ी थी वो टपक रही थी, लेकिन पोता जो है उसको इससे कोई मतलब नहीं था। तो दादी जो है खिंच गई और बोलने लगी कि ये इस टिपटिपुआ से जान बचे तभी तो कोई कहानी सुनाऊ ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? अब जो उसका पोता था उसने सोचा कि टिपटिपुआ पता नहीं क्या है, और उसने शेर और बाघ के बारे में सुना था, तो वो जो है क्यूरियस हो गया, उत्सुकता आ गई उसके अंदर। तो वो पूछ रहा है दादी से कि क्या ये जो टिपटिपुआ है वो शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा का डर न बगवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। तो अब वो बोल रही है बुढ़िया उसको कि ना शेर का डर है ना बाघ का डर है, अगर डर है तो किसका है? टिपटिपुआ का डर है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। तो जब जिस टाइम ये बातें हो रही थी दादी और पोते के बीच में, तो बारिश से बचने के लिए एक बाघ जो है उस बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह तोड़ डर गया। एक तो बारिश से डरा हुआ था और ऊपर से उसने बुढ़िया की बात सुन ली तो डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती हैं। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा बाघ सोच रहा है कि ये टिपटिपुआ जो है बुढ़िया टिपटिपुआ से ही डरती है, शेर और बाघ से भी नहीं डरती, तो ये कोई बड़ा जानवर होगा। इससे पहले कि वो बाहर आए अटैक करे तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो उसी गांव में एक धोबी भी रहता था, उसका गधा सुबह से गायब था। वो बारिश में भीग रहा था, घूम रहा था, देख रहा था, पर उसका गधा उसको कहीं नहीं मिल रहा था। धोबी की पत्नी उसको बोलती है, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते हैं? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो उस धोबी की जो वाइफ है वो बोलती है कि जाके पंडित जी से पूछो, उनको जरूर कुछ न कुछ पता होगा। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। अब वो पंडित जी के घर पहुंचता है तो उसने देखा कि पंडित जी के घर में भी पानी भरा हुआ था और वो अपने पानी को जो है बाहर निकाल रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। अब वो दूर से ही उसको जल्दी जल्दी में पूछता है कि महाराज पंडित जी मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, आप अपनी पोथी वगैरह देखिए, बाँचिए और पता कीजिए कि मेरा जो गधा है वो कहाँ पे है। सुबह से पानी उलिझते उलिझते पंडित जी थक गए थे। वो सुबह से पानी निकाले जा रहे थे घर से, तो पंडित जी जो थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढो किसी गढ़ई पोखर में। तो बोल रहा है कि मेरी पोथी में थोड़ा उसका कोई पता ठिकाना लिखा है, जाओ कहीं तालाब के आसपास देखो, कहीं होगा मिलेगा। वो पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, अब वो फिर अपना पानी जो है बाहर निकालने लगे घर के अंदर वाला। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के एक किनारे ऊँची ऊँची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब पंडित जी ये जो धोबी है वो चल दिया अपने बाघ गधे को ढूंढने। तो वहाँ जो है एक तालाब के पास उसको ऊंची ऊंची घास में
उसको ढूंढने लगा तो वही वाला बाघ जो सुबह बुढ़िया के घर से उठ के आया था वही वाला बाघ वहाँ पे छिपा बैठा था। अब उसने कुछ देखा ही नहीं, उसको लगा कि उसका गधा है यहाँ मिल गया है। वो बाघ पे ही शुरू हो गया अपना लठ बरसाने। बाघ ने मन ही मन सोचा लगता है यही टिप टिप हुआ है। अब बाघ भी यही सोच रहा है क्योंकि बाघ भी डरा हुआ है। तो बाघ को लगा कि जो टिप टिप हुआ की बात बुढ़िया बोल रही थी ये वही टिप टिप हुआ आ गया। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया, अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अब बाघ ने सोचा कि ये जैसा बोल रहा है वैसा कर लेते हैं, नहीं तो मार देगा। और धोबी ने भी क्या किया, उसका कान पकड़ा और चल मैं पिटाई करता हूँ घर तेरी, और घर जाके उसको बांध दिया और अपने आप वो सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आँखें खुली की खुली रह गई। अब क्योंकि धोबी को भी नहीं पता था कि वो गधे को नहीं बाघ को लेके आया है, और अगले दिन गांव वालों ने देखा तो वो भी सारे देखते ही रह गए। तो ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है इसकी रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।